हेलो दोस्तों, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने A1 एजुकेशनल हब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज 4 फरवरी 2022 का करंट अफेयर हम लोग फटाफट तैयार करेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पक्का छपेंगे, ठीक है। तो बढ़ेंगे दोस्तों वीडियो में और पहला क्वेश्चन शानदार तरीके से आपके सामने, वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है हरमनप्रीत सिंह, पीआर सृजेश, रानी रामपाल या दिव्या सिंह। तो वर्ल्ड्स गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पीआर श्रीजेश को चुना गया। यह भारत की हॉकी टीम के क्या हैं, गोलकीपर हैं, इस बात को याद रखिएगा। और यही अवार्ड रानी रामपाल को 2019 में दिया गया था। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आईसीसी वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है स्मृति मंधाना, रागिनी तनेजा, के पल्लवी या अरुंधति एस कुमारी। तो आईसीसी वुमेन ऑफ द ईयर, आईसीसी क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, दुबई में है, इस बात को याद रखिएगा। और वुमेन ऑफ द ईयर आईसीसी किसे चुना गया, स्मृति मंधाना को चुना गया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है? LIC जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? दोस्तों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, MR कुमार, जिनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है, मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका शानदार तरीके में पेपर में, आपका शानदार तरीके का क्वेश्चन जो पेपर में छपेगा, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आपका ऑप्शन ए राइट होगा या ऑप्शन बी राइट होगा या ऑप्शन सी राइट होगा या ऑप्शन डी राइट होगा। तो ONGC दोस्तों क्या होता है आपका, ऑयल एंड, यहां से देख लेंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, वो अलका मित्तल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा और इस पर स्टार बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या आपका राजस्थान। तो भैया GSI ने मध्य प्रदेश में, इसका ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। क्यों दी है, क्योंकि नर्मदा नदी आपकी कहां है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर जिले में, कहां, जबलपुर जिले के लम्हेटा गांव में, किस गांव में, लम्हेटा गांव में आपके जो डायनासोर है उनके अवशेष मिले हैं, इस कारण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जियो पार्क को मध्य प्रदेश में स्थापित करने, भारत का ये पहला जियो पार्क है, इसे मध्य प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर MP हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, रोज सुबह आपका 9 बजे करंट अफेयर की शानदार क्लास होती है आपके अपने A1 एजुकेशनल हब स्टडी प्लेटफॉर्म पर बाई देवेंद्र सर, ठीक है। तो आप शानदार तरीके से अपने एग्जाम के लिए, यानी आप अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो करंट अफेयर के सीधे सटीक सवालों के लिए आपको फुल वीडियो वॉच करना है 9 बजे सुबह, रोज सुबह 9 बजे, और रात्रि 8 बजे आपकी मैथ की शानदार क्लास होती है। तो दोनों क्लास देखिए और इंजॉय करिए, मस्त रहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? आपका ऑप्शन, ये तो आप जानते होंगे, एजाज पटेल, मिशेल स्टार्क, टिम साउदी या एनरिक नॉर्टजे। तो आपका हाल ही में भैया याद कीजिए किसने 10 विकेट लिए हैं, वो आपके एजाज पटेल ने लिए हैं। किस देश से हैं आपके ये क्रिकेटर, हैं किस देश के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, इस बात को याद रखिएगा। और किसके खिलाफ लिए हैं, तो भैया अपने इंडिया के खिलाफ लिए हैं, क्योंकि ये आपके एजाज पटेल खेलते तो न्यूजीलैंड की तरफ से हैं, लेकिन ये हैं क्या, इंडियन है, ये इंडियन है। इनका जन्म दोस्तों कहां हुआ, मुंबई में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। तो बहुत शानदार तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के होयसला मंदिर को 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तो होयसला मंदिर को दोस्तों किसमें
आपके विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, नामांकन किया गया है 2022-23 के लिए, वो आपका होयसला मंदिर किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो भी दोस्तों कर्नाटक में होता है। आपका भारत का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित करने वाला राज्य है कर्नाटक, और विश्व का पूछा जाएगा तो आप ब्राजील लगाएंगे। ठीक है, बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर है, रेलवे बोर्ड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो आपका ऑप्शन विजय कुमार, विनय कुमार त्रिपाठी, अश्वनी वैष्णव या आर के श्रीकांत। तो रेलवे बोर्ड का नया जो आपका कार्यकारी अधिकारी है वो आपके विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव क्या है, वर्तमान में दोस्तों रेलवे मिनिस्टर हैं, रेल मंत्री हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आपका विनय कुमार त्रिपाठी है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया है? ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या आपका डी ऑप्शन। तो इसके लिए दोस्तों क्या सही हो जाएगा, एस सोमनाथ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसरो की स्थापना दोस्तों कब होती है, 1969 में होती है, और विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी, जो आपके अंतरिक्ष वैज्ञानिक हुए हैं विक्रम साराभाई। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, बैंगलोर में है, इस बात को भी याद रखिएगा। और इससे पहले, इनसे पहले, एस सोमनाथ से पहले कौन आपका अध्यक्ष था, तो वो के सिवान अध्यक्ष थे इसरो के, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर क्या है, 1 फरवरी 2022 को किस बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है, सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स, भारतीय तटरक्षक बल या भारतीय एयरफोर्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक बल। इसकी स्थापना लिख लीजिए 1 फरवरी, आपकी 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान में इसके निदेशक किसे बनाया गया, तो वीरेंद्र, आपका वीरेंद्र सिंह पठानिया को इसका वर्तमान निदेशक बनाया गया है, इस बात को भी याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय भैया न्यू दिल्ली में है। कहां, न्यू दिल्ली में है, इस बात को भी याद रखिएगा। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, वयम रक्षामः, रक्षामः इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो आपका शानदार तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला बढ़ेंगे, जनरल विपिन रावत का संबंध किस बटालियन से था, असम राइफल्स, राजपूताना राइफल्स, भारतीय तिब्बत पुलिस बल यानी आईटीबीपी या आपका गोरखा बटालियन? तो जनरल विपिन रावत का संबंध किससे था, गोरखा बटालियन से था। और जनरल विपिन रावत जो है वो कहां, अब देश के पहले सीडीएस थे, क्या, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये कहां से बिलोंग करते थे, आपके उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। और इन्हें हाल ही में इनके मरणोपरांत आपका पद्म विभूषण अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, किससे, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, का शानदार क्वेश्चन, सेहत पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या रेल मंत्रालय? तो सेहत पहल का संबंध दोस्तों रक्षा मंत्रालय से है। सेहत पहल क्या है, यानी सैन्य अफसरों को ऑनलाइन कंसल्टेशन देना, डॉक्टर के जैसे ऑनलाइन बात करना डॉक्टरों से, और उनके लिए ऑनलाइन दवाएं पहुंचाना, ये सेहत पहल शुरू की गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसका पूरा नाम अगर बात करें तो दोस्तों सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन इसका पूरा नाम है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आयुष्मान भारत योजना कहां से शुरू हुई थी, वाराणसी, बलिया, रांची या पानीपत? तो आपकी आयुष्मान भारत योजना जो है वो कहां से शुरू हुई दोस्तों, इसके लिए आपका रांची ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। रांची झारखंड की राजधानी है, यहीं से आपकी आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई है, जहां 5 लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। इस कार्ड में आपके आयुष्मान कार्ड बनता है, उसमें 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। तो ये योजना आपके रांची से शुरू हुई थी, झारखंड के रांची से, और कब शुरू हुई थी, ये 23 सितंबर, आपका 23 सितंबर 2018 को
शुरू हुई थी। वाराणसी से कौन सी योजना शुरू हुई दोस्तों? पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू हुई थी। और बलिया से आपके कौन सी योजना शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपकी जो है वो कहां से शुरू हुई? बलिया से शुरू हुई। और कब शुरू हुई अगर पूछा जाए तो 1 मई आपका 2016 को शुरू हुई थी। और अगर पानीपत से पूछा जाए तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। लिंगानुपात बैलेंस करने के लिए ये इस योजना की शुरुआत की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो अगला आपका लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट जो आपकी योजना है उसे किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तेलंगाना द्वारा प्रारंभ किया गया। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों शानदार क्वेश्चन हमने देखे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने में देर मत कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलेंगे हर रोज आपका करंट लेके सुबह 9 बजे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।